मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ओके अच्छा, इस स्क्रीन पे मैंने जो है ना, तो चार जो है तो वो डिफरेंट चीजें बनाई हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हमें हमें इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो लिसनिंग की होती है। एंड यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम द बेबीज। आप जो है ना, तो बच्चों से एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चों को बोलना कैसे आते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ बड़े बोलते हैं, बड़े आपस में बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही ज्यादा जो है तो वो बोलते हैं। फिर एक और बात हमें सुनने को आती है कि व्हाट इज दिस एवरीवन, ओके। एक और बात जो है तो हमें सुनने को आती है कि जिस घर में ज्यादा बच्चे हो उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, बोलना जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे कॉन्टिन्यूसली उसके साथ लगे रहते हैं, आपस में लगे रहते हैं, पेरेंट्स के साथ लगे रहते हैं, तो उनको ज्यादा सुनने का मिलता है, इसलिए वो जल्दी बोल पाते हैं। सेकेंड जो है तो वो 30% हमारा होता है स्पीकिंग पे। 30% हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमें नहीं आएगा। तो लाइक 50%+ हमारे सिर्फ दो चीजों से आ रहे हैं, कौन कौन सी? एक 45% लिसनिंग और एक 30% स्पीकिंग। 75% हमारा सुनने और बोलने से हमें कोई भी लैंग्वेज, दिस इज नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज, आप फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाबी है कोई, वो पेशावर आके एक महीना गुजारे उसको, और पठानों में गुजारे, पंजाबियों में नहीं, पठानों में, चाहे उसको एक लफ्ज ना आता हो, उसके साथ उर्दू बोलने वाला एक बंदा भी ना हो, वो पठानों में उठेगा बैठेगा, एक महीने बाद पठानों से ज्यादा अच्छी पश्तो वो बोलेगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे बड़े होते हैं दुबई सऊदीया वगैरह जाते हैं, वहां पे एक साल दो गुजारते हैं, तो उनको अच्छी खासी जो अरेबिक आती है, उनको किसने सिखाई तो नहीं है, उनको ग्रामर तो नहीं आता। यहाँ पे जो पंजाबी है तो वो मुझे बता सकते हैं कि वो पंजाबी का पंजाबी का कोई ग्रामर का एक लफ्ज मुझे सिखा सकते हैं? कोई लिखते कैसे, या फिर कोई सिंधी है लिखते कैसे, बोलते कैसे, टेंसेस उसमें कौन कौन सी होती है, और इवन मुझे ये भी बता दे कि पंजाबी में नाउन को क्या कहते हैं, या फिर सिंधी में नाउन को क्या कहते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जो हमें आता हो ग्रामर से रिलेटेड। तो हमारा 75% इंग्लिश में कौन सी चीजें कवर करती है? एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग। तो हम भी अपना मेन कंसर्न किस चीज पे रखेंगे? लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यू मस्ट हैव टू वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश ड्रामास, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश टॉक शोज, ये देखोगे आप लोग तो इनसे आपको एक फायदा तो ये होगा कि डॉक्यूमेंट्री स्पेशली, एक तो आपका नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा होगा, दूसरी आपको इंग्लिश बोलना आएगी, एंड तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका एक्सेंट अच्छा होगा, ठीक है। एक्सेंट का भी अच्छा होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका एक्सेंट अच्छा होगा जब आप किसी अंग्रेज को बोलते हुए, लाइक हम सबकी अंग्रेजी बिलावी क्यों होती है, हम ऐसा क्यों, हम सारे को सारे ऐसा क्यों बोलते हैं, माई नेम इज वली जान निसार, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, हम सबकी अंग्रेजी ऐसी क्यों है? क्योंकि हम बचपन से यही एक्सेंट सुनते आ रहे हैं और हम बचपन से इसी को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी लैंग्वेज भी उसी तरह बन गई है। इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि आप जो भी देखें कोशिश करें कि अच्छे एक्सेंट वाले देखें, ब्रिटिश, अमेरिकन, कोई भी हो, लेकिन ये हो कि जो बोल रहा है उस बंदे का एक्सेंट अच्छा हो, ठीक है। लाइक मैंने बचपन से मेरा एक्सेंट जो है तो वो ब्रिटिश रहा है, लाइक कुछ भी कोई मुझे कहता है मेरा एक्सेंट ब्रिटिश। मेरे एक कजिन थी अमेरिका की, जब वो वापस आई उसके साथ मैंने सिर्फ एक वीक गुजारा और एक वीक के अंदर मेरा ब्रिटिश एक्सेंट चेंज हो गया अमेरिकन एक्सेंट में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बोलने वाला सामने अंग्रेज जो बोलता है ना, हम उसी तरह बोलना सीख जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि बोलने में ऐसे कोशिश करें कि आप लोग अंग्रेजों की तरह बोले, क्योंकि गुलाबी अंग्रेजी सबको आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ओनली 16% जो है तो वो हमें हेल्प आउट करता है रीडिंग से। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, तो 16% जो है तो वो हमारे स्पोकन में हमें हेल्प आउट करती है। लेकिन रीडिंग से हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो हमें मिलता है वोकैबलरी का। हमारी वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई भी आर्टिकल पढ़े उसमें न्यूली इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, तो न्यूली इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना तो बोलने से हमारी वोकैबलरी इंक्रीज होगी।
लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस को ले लें कि हम मोस्टली हम ये बोलते हैं कि लेट्स स्टार्ट अवर ट्रेवल, या लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ट्रेवल, ठीक है. लेकिन जब हम मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेट्स द जर्नी बिगिन. एक तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया, एक दूसरा ये बोलने में भी मजा आ रहा है, दूसरे ये एडवांस वोकैबुलरी है. तो पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपको एडवांस वर्ड्स मिलेंगे, आपको एडवांस वोकैबुलरी मिलेगी, आप नए नए सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, ठीक है. लाइक जैसे हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि दिस इज वेरी कोल्ड, या दिस आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. आजकल ऐसे किसी अंग्रेज के सामने बोले कि वहां पे हंसेगा. आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है आई एम फीलिंग चिली, ठीक है ना. तो इस तरह के काफी ज्यादा वर्ड्स हमारे चेंज हो जाते हैं. अच्छा, फिर से जो लास्ट थिंग है, जो ओनली 9% है, वो है राइटिंग. राइटिंग से आपको बेसिक फायदा ये होता है कि आपकी वही चीज वोकैबलरी इंक्रीज होती है, दूसरा आपको सोचने का मौका मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो पाकिस्तान के बारे में, एंड यू डोंट नो कि हम सूबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप जाओगे गूगल ट्रांसलेट पे, आप जाओगे यू डिक्शनरी पे, आप जाओगे किसी और डिक्शनरी पे, आप वहां पे क्या लिखोगे, सूबा, तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा प्रोविंस. तो अब आपको पहले नहीं पता था कि प्रोविंस कहते हैं सूबे को, लेकिन आपने रिसर्च की, आपको पता चल गया. अब ये रिसर्च आपसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ठीक है. तो राइटिंग हमें इस चीज में फायदा देती है कि हम उसके पीछे रिसर्च करते हैं, और कोई भी चीज की हम जब पर्सनली रिसर्च करते हैं, अपने लिए खुद रिसर्च करते हैं, उसका हमें फायदा ये होता है कि वो चीज हमसे कभी भूलती नहीं है. तो सबसे ज्यादा मैम नमाज टाइम होता है, ये नमाज के लिए ब्रेक दिया दे दिया करें. बच्चे आज का हम फिर लेक्चर शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है. वाकई में नमाज का टाइम हो गया है, और फिर से टाइमिंग्स को चेंज करना पड़ेगा हमें. चलो सही है, हम ये देखते हैं. जस्ट 5 मिनट्स मुझे इसको कंक्लूड करने दे. तो आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है लिसनिंग पे, उसके बाद आपने फोकस करना है रीड स्पीकिंग पे, फिर आपने फोकस करना है रीडिंग पे, और उसके बाद हमने राइटिंग पे करना है, ठीक है. राइटिंग में आपसे अब ज्यादा कराऊंगी, पहले मैंने नहीं कराई थी राइटिंग पे कोई भी फोकस. इस बार आप लोग की राइटिंग पे ज्यादा फोकस होगी, ताकि आप लोग पर्सनल रिसर्च कर सके. जब तक आप पर्सनल रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है. अच्छा, आज आप लोग का टास्क ये है, जो कि आपने लिखना है, एंड लिखने का टास्क ये है कि यू हैव टू राइट अबाउट योर इंट्रोडक्शन. बट वो बच्चों वाला इंट्रोडक्शन नहीं कि माय नेम इज फॉर एग्जांपल माय नेम इज अली, आई एम अ बॉय, आई एम इन सिक्स ग्रेड, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. आपका प्रॉपर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपका ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हमें और भी क्या चीजें देखनी है कि हमने उसको फिजिकली कैसे यूज करना है, ठीक है. तो आपका एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए. आप सबने कल 6 बजे ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है. फिर मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको बोलूंगी कि जी आप अपना वॉइस नोट सेंड करें, एंड देन दैट पर्सन हैव टू दैट पर्सन हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस. ओके, प्लीज कॉल द रोल. आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग आप बच्चे. ओके, तो इस चीज की आपको समझ आ गई. स्लाइड्स और भी थी, बट इट्स ओके. नमाज का टाइम हो रहा है, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी नमाज होनी चाहिए. Okay, that's it, bachcho. Thank you so much. Allah.